जैसे जैसे आगामी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे समाजवादी परिवार में जारी कलह भी शांत होती दिख रही है। जहां पहले ही अखिलेश पिता मुलायम से संबंध सुधार चुके हैं और शिवपाल यादव से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, वहीं अब शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव भी दूरियां मिटाने की कोशिशों में जुटे हैं। रामगोपाल यादव के जन्मदिन पर पहुंचकर शिवपाल यादव ने संदेश दिया कि अब सपा में सब कुछ ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान जब सपा में घमासान छिड़ा था, उस वक्त रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव के लिए सबसे बड़े विलन के रूप में सामने आए थे, जिन्होंने अखिलेश यादव का खुलेआम समर्थन किया था। इसे लेकर शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव पर कई बार वार भी किए, जिसके बाद से ही शिवपाल और रामगोपाल यादव में दूरियां बनी हुई थी। लेकिन अब ये दूरियां रामगोपाल यादव के जन्मदिन पर नजदीकियों में बदलती दिखी, जहां धुर विरोधी शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव के जन्मदिन पर पहुंचकर सभी को चौंका दिया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ रामगोपाल यादव के पैर छुए बल्कि साथ में केक भी काटा। रामगोपाल ने भी शिवपाल यादव को केक खिलाकर मतभेद बीते दौर की बात होने का संदेश दिया। इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि हम प्रोफेसर रामगोपाल यादव को 72वें जन्मदिन की बधाई देते हैं, परिवार में अब कोई विवाद नहीं है। साथ ही इस दौरान उन्होंने बीजेपी को कोसते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में अघोषित रूप से इमरजेंसी लगी हुई है, ऐसे में अब वक्त आ गया है कि सभी धर्मनिरपेक्ष दल एक मंच पर आएं और जनविरोधी सरकार को उखाड़ फेंके। डीबी लाइव की रिपोर्ट।